मेहर में फैंटू क्लब द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित 23वां ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट स्वाधीनता कप 2023 का शुभारंभ हुआ। इसमें मेहर को हराकर जबलपुर ने अगले मैच में अपना स्थान सुरक्षित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। फेंटू क्लब मेहर द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित 23वां ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट स्वाधीनता कप 2023 का शुभारंभ हुआ। गुरुकुल विद्यालय के बच्चों द्वारा आकर्षक बैंड धुन में मार्च पास के बाद फुटबॉल मैच की शुरुआत की गई, जो फुटबॉल क्लब मेहर एवं पुलिस बॉयज FC जबलपुर के बीच हुआ। वहीं इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गीता संतोष सोनी, नगर पालिका उपाध्यक्ष शीतल नितिन ताम्रकर व अल्ट्राटेक सीमेंट प्रतिनिधि विपिन सक्सेना सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ये तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से रजिस्टर्ड टूर्नामेंट होता है। इसमें कुल 14 टीम भाग ले रही हैं। दो टीमें मैहर खेल रही हैं। पहले इससे पहले मैहर की एक टीम खेला करती थी। इस वक्त मैहर में कुछ खिलाड़ी ज्यादा हुए खेलने के, क्योंकि साल में एक बार टूर्नामेंट होता है। 2 साल बाद हुआ है, किसी को निराश नहीं करना चाहते। जब खिलाड़ी अपने से बड़ी टीमों से अच्छी टीमों से खेलेंगे तो उनको अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए इस बार 2 टीमें रखी गई हैं। दोनों टीमें आपके सामने खेल प्रदर्शन कर रही हैं। मैहर में एक गौरव है ये फेटू क्लब, जिसके कारण से समाज में एक अच्छा स्थान इन्होंने बना के रखा है। और मुझे उम्मीद है कि ये हर समय इसी तरह से यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। नगर पालिका परिषद के द्वारा जो भी इनकी जरूरतें होंगी, हमारे तरफ से पूरा प्रयास करके इनको पूरा कराया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।